हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्कीन्स के लेवल 1 का क्वेश्चन 205। क्वेश्चन 205 में देखिए हमसे क्या पूछ रखा है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इन्होंने कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको दे दिया है CO2H, ठीक है। सबसे पहले इसको हमको किसके साथ में रिएक्शन करानी है, I2 फिर NaHCO3 के साथ में। तो चलिए इसकी रिएक्शन पहले I2 के साथ में हम कराते हैं। तो आप बताइए, किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन का एडिशन होता है तो वो किसके थ्रू प्रोसीड करता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन के थ्रू में वो प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से। तो ये क्या करेगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होता है, ये उसके बीच में क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, CO2H, ये इस टाइप से है। तो अगर आप इसके ऊपर एडिशन कराओगे तो ये होगा, ठीक है। अभी देखिए आपके सामने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पड़ा हुआ है क्या, आपका NaHCO3, ठीक है। तो ये क्या है, Na प्लस और HCO3 माइनस, ठीक है, इस टाइप से पड़ा हुआ है ये रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये HCO3 माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इस अगर हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो आप बताइए आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बना हुआ है, ये प्लस चार्ज करके, और यहाँ पे हो जाएगा ये COO माइनस, ठीक है। इस टाइप से आपका ये मिक्सचर है। तो अब देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, ये जो साइक्लिक हेलोनियम आयन बना था तो आपके पास अभी I माइनस भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है I माइनस अटैक कर जाए यहाँ पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। लेकिन देखिए अगर I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो उतना स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर यही स्पीसीज यहाँ पे इस तरह से अटैक करे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो इस वजह से होगा क्या कि एक देखिए रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जब साइक्लिक हेलोनियम आयन बना तो तुरंत I माइनस का अटैक नहीं हुआ, क्योंकि I माइनस का अगर अटैक होता तो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता और मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल नहीं हो पाता। तो अगर इसका अटैक हम करवा दें यहाँ पे तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा गिवन कंपाउंड, ये हो गया, ये कनेक्टेड था इस कार्बन से जो है सी डबल बॉन्डो, ये ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, इस टाइप का जो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना के रखा, ऑप्शन बी में बना के रखा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा था, डबल बॉन्ड पहले I2 का एडिशन कराया, फिर मैंने बताया कि I माइनस डायरेक्टली क्यों नहीं अटैक किया, इसके थ्रू अटैक क्यों हुआ, क्योंकि एक साइक्लिक स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। क्वेश्चन 206, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 206 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने से आसान लगता है लेकिन जब इसका हम आंसर मैच करते हैं तो कभी आता नहीं है, तो उसी का मैं रीज़न आपको समझाता हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा इसको। आपके सामने कुछ इस टाइप का इन्होंने कंपाउंड दे रखा है, इसके ऊपर सबसे पहले हमको करानी है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, यानी इसका हाइड्रोजिनेशन कराना है। तो कई बार बताया आपके सामने एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो, तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है हाइड्रोजन की, ट्रिपल बॉन्ड को, तो ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कई बार देखा, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा OH, ये सिचुएशन थी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड था, इससे कनेक्टेड है OME। अब इसके ऊपर किसके साथ रिएक्शन कराना है, H3O+ के साथ में रिएक्शन कराना है। H3O+ को ऐसे लिखा जा सकता है H+H2O, ठीक है। सबसे पहले H+ है, फिर इसके साथ वाटर का रिएक्शन है, तो H+ को बताइए कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है अच्छे से, ये OH जो है ये क्या करेगा, काफ़ी अच्छे से इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक दिमाग में क्वेश्चन और आता है कि सर यही क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है OME, तो इसका रीज़न ये है कि ये देखिए लगातार रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ये OH का जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए यहीं से अटैक होगा, इस पर्टिकुलर पोजिशन से अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये दे देगा तो वहाँ पे ये किस फॉर्मेट में निकल जाएगा, OH2+ बना के यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनेगा OH2+ और क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा ये, तो बन क्या जाएगा, एक आपका कार्बोकैटायन इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं फॉर्मेशन कर देता हूँ, यहाँ पे बन गया ये कार्बो
कैटायन, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन है अभी ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, स्टेबल कब बनेगा, देखिए एक एक बार इस तरह से हम क्या करें इसमें रेजोनेंस करवा दें इस तरह से, ठीक है, अगर ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करा दें या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाए, तो देखिए जब अपने इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपाउंड पहुंचेगा, यानी ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पे लगा हुआ है OME, तो अब ये कंपाउंड स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल करने का मौका मिल जा रहा है, तो ये कंपाउंड अब जाके स्टेबल हुआ है। तो अब ये जब स्टेबल स्टेट में आ चुका है तो इस स्टेबल स्टेट में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर सकता है इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपका आंसर फिर कुछ इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये था OME और यहाँ पे आ चुका है OH, तो हम ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से आंसर होना चाहिए था। तो अब एक बात बताइए आप, आपको क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे ये बना हुआ है हमारा आंसर, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे ये हमारा आंसर बना होगा। तो अब बात आती है कि सर तब तो ये आंसर हमारा गलत हो गया, नहीं, ये आंसर हमारा गलत नहीं है, इसमें एक स्टेप और हमारा प्रोसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है प्रोसेस, वो देखिए, देखिए होता क्या है बेसिकली, अब ये सिस्टम क्या करता है H प्लस के प्रेजेंस में, अब देखिए इसके सिस्टम के अंदर तो एसिड प्रेजेंट ही था, तो H प्लस के प्रेजेंस में सिस्टम थोड़ा सा खेल दिखाता है यहाँ पे। अब बताइए अगर ये H प्लस है तो इसको अब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये OH इलेक्ट्रॉन देगा या OME इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए ये वाला केस खत्म हो गया है, यहाँ पे ये जो OME था अब ये रेजोनेंस के अंदर तो इन्वॉल्व है नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इसके पास नहीं है। आप देखो आपके पास दो कंपाउंड है, एक है OH और एक है OME, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वही इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर पाएगा। दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, OME के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आपका प्लस आई इफेक्ट, तो ये इस बार इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करा सकता है। यहाँ पे ऊपर वाले केस में OH क्यों प्रोवाइड कराता है, क्योंकि OME का इलेक्ट्रॉन जो था वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी के पास ज़्यादा है, तो यही क्या करेगा, इस H प्लस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। मैं एक एक रीज़न आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसकी बढ़ पाए, ठीक है। तो अगर आप देखो इसका मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना दूँ, तो ये हो गया OME, यहाँ पे था OH, ये हमारे डबल बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट थे और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये हो जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से अटैक करेगा और यहाँ से OME इस तरह से लूज कर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, ये पूरा का पूरा कंपाउंड था, इसको मैं pH लिख दे रहा हूँ, ये कनेक्टेड था इस कार्बन से, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर कनेक्टेड है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये इस कार्बन से कनेक्टेड हो गया ये वाला कार्बन, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, देख रहे हैं आप, ये हमारा फाइनल कंपाउंड इस टाइप से बन के निकलता है। तो इस ऐसा ऑप्शन हमको किस में दे रखा है, अब देखिए ये हमको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान समझिए रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से हुई, एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ से रिएक्शन बिगिन हुई, ठीक है, ये फर्स्ट था, सबसे पहले हाइड्रोजन पैलेडियम का एडिशन हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन हो गया। अब बात आया H प्लस आया, तो अब H प्लस को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये या ये, इसका तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा था तो ये तो दे नहीं पाया, तो इसीलिए कौन देने के लिए इलेक्ट्रॉन आया, OH2 प्लस आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बोकैटायन बना। हमने देखा कि ये जो कार्बोकैटायन बना है ये आपका भी स्टेबल स्टेट में नहीं है, तो इसका रेजोनेंस करवाया और इसको स्टेबल स्टेट में हम ले गए, ठीक है। अब जब स्टेबल स्टेट में ले गए तो फिर किसका अटैक हुआ, आपका अटैक हुआ वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करा और इस तरह से बन गया। फिर से H प्लस आया, H प्लस के वजह से ये सिस्टम क्या कर रहा है आपका, इस तरह से एक और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब जब H प्लस आया तो अब क्वेश्चन आया हमारे सामने फिर से कि सर ये इलेक्ट्रॉन देगा या ये, तो हमने ये समझा कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो OME के ऊपर ही ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, लेकिन ऊपर वाले केस में वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा था, यहाँ पे नहीं है, तो इस बार ये फ्री है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही प्रोवाइड कराएगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराई तो ये बना OME प्लस, और फाइनल स्टेट में क्या हुआ, OH ने अटैक किया और OME प्लस वहां से लूज कर गया, और फाइनली ये हमारा जो कंपाउंड था ये यहां पे फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो रही है। जब आप भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप भी एक एक स्टेप को एनालाइज करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि JEE में किस पर्टिकुलर पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।